हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। और जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है नेक्स्ट हायर की तरफ से, नेक्स्ट हायर हायरिंग कर रहा है टैलेंट एक्विजिशन वर्क फ्रॉम होम जॉब और इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, तो टैलेंट एक्विजिशन कौन सी पोस्ट होती है जिसे एचआर की जॉब कहते हैं या रिक्रूटर की जॉब कहते हैं, वही होती है टैलेंट एक्विजिशन की पोस्ट। ठीक है, तो ये हायरिंग कर रहा है टैलेंट एक्विजिशन की एज रिमोट जॉब, फुल टाइम जॉब आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगा हुआ है। तो व्हाट स्किल्स शुड आई हैव, इन्होंने आई हैव का है मतलब कि जो अप्लाई कर रहा है उसकी तरफ से, मतलब आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए। मस्ट हैव एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ईगर टू लर्न की अकाउंट मैनेजमेंट, क्लाइंट हैंडलिंग इन अ कॉन्स्टेंसी कंपनी। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट। ठीक है, मस्ट हैव अ वर्किंग लैपटॉप प्लस एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो जैसे कि रिक्रूटर की जॉब है, एचआर की जॉब है, टैलेंट एक्विजिशन की जॉब है, उस हिसाब से अगर ये एनी ग्रेजुएट को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका एमबीए वगैरह नहीं है, लेकिन वो मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, एचआर की फील्ड में जाना चाहते हैं या रिक्रूटर बनना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये पोजीशन अच्छी होती है, इसमें अगर आप को कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाए तो आपकी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में भी अच्छी सैलरी पर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो अगर ये इंटर्नशिप भी है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इंटर्नशिप में ये होता है कि आप फ्रेशर हो और आपको नहीं आती हैं चीज़ें, रिक्रूटमेंट नहीं आता है करना, ठीक है, सैलरी मेकिंग नहीं आती है, तो ये आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एचआर में जाना चाहते हैं बट उनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है। ठीक है, बाकी स्किल्स इन्होंने क्या मांगी हुई है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, स्पोकन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रिटन एंड एमएस एक्सेल। तो आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ साथ एमएस एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अर्न सर्टिफिकेट इन दीज स्किल्स, तो जब आप इसमें वर्क करोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, अब जाते हैं लर्न एमएस एक्सेल, इसमें आपको एमएस एक्सेल पर वर्क करना सिखाएंगे। जनरली लोगों को आता भी एक्सेल पर वर्क करना, अगर आपको नहीं भी आता या आपने वर्क नहीं किया है, आता है बट उतना वर्क नहीं किया है, तो आप इसमें जब वर्क करोगे, ठीक है, जैसे कि सपोज़ कि एक्सेल पर सैलरी बनानी, सैलरी फीड करनी या कुछ भी डेटा फीड करना है, वो आपको सिखाएंगे तो आपको सीखने को मिल जाएगा बहुत कुछ। ठीक है, तो जिसमें आप किसी दूसरी कंपनी में, बड़ी कंपनी में या हायर सैलरी पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप सीख लोगे, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, लर्न बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, वो कैन अप्लाई, ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हु आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप, कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप बिटवीन 16th May to 20th June। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है जब ये डेट दे देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 16 मई से लेकर के 20 जून तक आप वो यहाँ पर ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो तभी आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि अगर आपका सिलेक्शन होगा, होना होगा तो 20 जून तक आपको पता चल जाएगा, नहीं होना होगा तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि आप अप्लाई करके बैठे हुए हो, या तो आप रिजल्ट के लिए बैठे हो या रिवल्ट के लिए बैठे हो, दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर दो, होना होगा तो भी सही है, नहीं होना तो भी कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ठीक है, आर अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये 3 महीने की इंटर्नशिप है, बिकॉज इंटर्नशिप जो होती है वो कुछ ड्यूरेशन के लिए होती है, 3 मंथ 6 मंथ, मोस्टली वो 3 मंथ की होती है। तो अगर ये 3 मंथ की इंटर्नशिप है तो भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इसके बाद आप जब यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो तभी आप और जगह जॉब देखते रह सकते हो और यहाँ पे यहाँ का सर्टिफिकेट लगा सकते हो सीखने के बाद सारी चीज़ें कि हाँ मैंने इंटर्नशिप की है और मुझे इसका वर्क आता है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा तो आप पोस्ट के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दोगे, हायर सैलरी पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हैव रेलिवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो स्किल्स की बात तो ये बात पहले ही कर चुके हैं, सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 5 days a week जॉब ऑफर। ठीक है, तो 5 days सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 5 days a week जॉब ऑफर, तो ये पर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये पर्क मिलेगा, सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब ये आपको रिकमेंडेशन का एक सर्टिफिकेट लेटर लिख करके देंगे, जो आप कहीं अप्लाई करते हो तो उसमें आपको काम आएगा, वहाँ पर उसमें सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि आपने सक्सेसफुली इंटर्नशिप कंप्लीट की है। ठीक है,
और 5 days a week job offer। तो ये आपको जॉब का ऑफर भी प्रोवाइड करेंगे 5 days a week, जिसमें 2 दिन की छुट्टी भी होगी। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सिंपल ग्रेजुएट के लिए जो कि मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं और उनके पास MBA नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट तो 5 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर दो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा बल्क में लोग अप्लाई करें। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दो और हो सकता है आपका हो ही जाए, तो क्या इसमें दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आता है कि अबाउट द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप सेलेक्टेड इंटर्न्स डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड। तो आपको क्या क्या काम करना होगा, वर्क ऑन मैनेजिंग द इंटायर रिक्रूटमेंट साइकिल एंड टू एंड इनेबल द सेलेक्शन ऑफ क्वालिटी टैलेंट फॉर ओपन पोजिशंस। ठीक है, मैनेज इंटरप्राइज अकाउंट्स फॉर मंथली बिजनेस, मैनेज रिक्रूटर एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स टू हिट द नंबर्स, वर्क ऑन कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड फिल्टरिंग कैंडिडेट्स फॉर ओपन positions, work on sourcing and attracting candidates by using databases, social media, etc. Ensure all the recruitment is in accordance with the recruitment policy. Involve in end-to-end selection procedure. Work on preliminary screening of candidates. Negotiate विद द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द सैलरी। तो पूरा HR का जो वर्क रहता है, ठीक है, वो पूरा आपको सिखाया जाएगा, आप इनके अंडर में काम करोगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विदाउट MBA आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी, बिकॉज ये कहना है कि आपको पूरा रिक्रूटमेंट करना है, जैसे कि जो भी पोजीशंस इनके वेकांश रहती है तो उसका, जैसे कि HR राउंड होता है ना पहले कि कॉल से आप पहले शॉर्टलिस्ट करते हो, तो ये सारी काम रहेगा। फिर उनकी सैलरी वगैरह जो होगा उसको आपको डिसाइड करना होगा, और सब पूरा जो डेटा वगैरह जो एंट्री होती है एक्सेल में, वो सारी चीज़ें करनी होगी। तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेगी इसमें और काफ़ी अच्छा सीख लेंगे आप। ठीक है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है और मल्टीटास्किंग होती है और आपके पास कोई अच्छी मतलब पूरी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए कि आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क है आपके पास करने को। तो इंटर्नशिप में अगर आपके पास काफ़ी वर्क है, काफ़ी मल्टीटास्किंग वर्क है आपके पास, तो काफ़ी कुछ आप सीख जाएंगे जो आपको जब आगे अप्लाई करते हैं तो उसमें फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।